नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया सिलसिला, जनता की नब्ज, पल्स ऑफ इंडिया। जो चुनावी एजेंडा पॉलिटिकल पार्टी सेट कर रही हैं, क्या उनसे भिन्न है जनता का एजेंडा? उनके मुद्दे क्या हैं? क्या वो सोच रहे हैं मोदी के जुमलों के बारे में, विपक्ष के दावों के बारे में? इनके बारे में जमीनी पड़ताल, जमीनी रिपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो। मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं चौकीदार के नाते बैठा हूं वहां। मैं आज यहां के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। इस सिलसिले में हम आज बात करेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में सफाई कर्मचारियों के पांव धोए और ये माना कि दलितों की जो नाराजगी है वो इस पांव धोने से खत्म हो जाएगी, क्या वाकई जमीन पर ऐसा हो रहा है? सफाई कर्मचारी महिलाएं क्या सोच रही हैं, चाहे वो पंजाब की हों, चाहे वो उड़ीसा की हों या गुजरात की? हम सुनेंगे, उनसे बात करेंगे कि वह कैसे देखती हैं। क्या यह उनके लिए कोई एक गरिमा की बात है या है सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट? आप भी कम्युनिटी से हैं या आप दूसरे कास्ट से हैं? नहीं, मैं इसी कास्ट हूँ, बारहवीं कास्ट हूँ। बारहवीं कास्ट से हैं? अच्छा, तो अभी जैसे मोदी जी ने कल परसों पैर धोए सबके वहाँ इलाहाबाद में ना, सफाई कर्मचारियों के पैर धोए और उन्होंने कहा कि भाई अब सब हम हमारे पास आ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है उससे फायदा होगा? क्यों पैर धोए उन्होंने? इलेक्शन आ रही है जी, इसलिए तो है, नहीं क्योंकि उन्होंने वोट से जरूरत है। उनको लग रहा है कि वाल्मीकि लोग वोट नहीं देंगे? हाँ जी, बिल्कुल जी। मोदी जी ने पैर धोए, क्यों धोए? वोट लेने के लिए। वोट लेने के लिए? हाँ जी। तो मिल जाएंगे वोट उनको पैर धो के? उसको नहीं देना वोट। हाँ, नहीं देना आपकी बार उसको वोट नहीं देना? नहीं देना। क्यों? उन्होंने सब लोगों को परेशान किया हुआ है, सब दुनिया को परेशान किया हुआ है, दुनिया में नशा पत्ता सब भेजा हुआ है उसने। मैडम जी बोलो, उनको कच्चे मकानों के पैसे डाल दे, अब तो बहुत देर होगी डाले। पैर धोए, क्यों धोए पैर? वोट के लिए धोए होंगे। जो हमारे को कुछ देगा तो फिर वोट भी डालेंगे, जो नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे? उनको बोल दो कि पैसे पूसे डाल दे। मोदी जी ने पैर धोए, क्यों धोए? वोट लेने का। वोट लेने वास्ते? वोट लेने वास्ते। हाँ जी हाँ, वोट लेने। कोई डाउट नहीं है वोट लेने वास्ते जी। वोट तो बाद कोई नहीं पूछता जी, ना कोई साडा कार्ड है जी, ना साडा कोई पानी किधर निकलता, बारह मूहरे बारह मूहरे चले लगे पे ने, ना कोई लाइट ना कुछ हो रही। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਪੂਜਦਾ। ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਪੂਜਦਾ ਪਰ ਉਹ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਾਵੇ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਵੋਟ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੇ ਬਣਦੇ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਸ ਹੀ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਨਵੀਂ ਆਉਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੈਸੇ ਆਪਕੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। મારું નામ મેં કીધું રાજુ બેન દેવેન્દ્રભાઈ મુંધવા, એટલે કેમ અમારી તો સમાજ વણકર સમાજ, હા વણકર સમાજ બરોબર, હા દલિત દલિત સમાજ। तो अभी आपके बच्चों को जो नौकरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, समाज में जहाँ पर रहती है वहाँ आसपास लोगों को नौकरियाँ मिली क्या? नहीं नहीं, कोई ना, नहीं, 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 नही
એવું નથી કે મારી છોકરી ને પેલા ના આવ્યો, અમારી હરેક સમાજ અમારી સમાજ ને લેતા નથી, પછી વાત જ ક્યાં રહી? અત્યારે પેલું સુરત માં નોકરી નું થયું ને, પેલા દલિત સમાજ નું, તેમાં પટેલ લોકો એ બી ફોર્મ ભર્યા, એ લોકોને નોકરી મળી, અમારા લોકોને કોઈને નોકરી નથી મળી. તમને કાલે ખ્યાલ આવ્યો મને, બોલો તમને ખ્યાલ હોય તો. એ લોકોએ કંઈક 3-3 કે 5-5 લાખ રૂપિયા ભર્યા, અમને કાંઈ સુવિધા જ મળતી નથી. તમારે કરી નહીં શા માટે? લાઇબ્રેરી નહીં, છોકરાઓને ભણવાનું કઈ પેલું જ નથી ને, ગટરની લાઇનમાં કશું જ નહીં, છોકરાઓનું કોઈ નથી. અમારા છોકરાઓને બિચારાઓને કેટલી તકલીફ પડતી હોય છે, કે દલિત ના છે ને આવા છે ને તેવા છે ને, શું ભણતા હોય તો છોકરાઓ. અત્યારે અમારા છોકરાઓ આગળ છે તો કઈ કે આના છોકરા આગળ તો ભણાવી છે, પૈસા અમે બી વેરફી જ છીએ ને, અમે બી મજૂરી કરીને લાવીને દેવી છે ને. એમને ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ છે, બધી વાતની મુશ્કેલ, નોકરી નથી એની બી મુશ્કેલ, મોંઘી એટલું છે, બધી વાતની. પક્કા કામ નહીં, વો તો ટેન્ડર કે હિસાબ સે 5,600 રૂપિયા દેતે મહિને મેં, અગર વહાં પે હમ છુટ્ટી ભી રહ જાતે તો વો છુટ્ટી કા પૈસા ભી કાટતે. હા, સન્ડે કો ભી છુટ્ટી નહીં હૈ, હમેશા રોજ જાતે હૈ કામ પે, અગર સન્ડે કો ભી રહ જાયેંગે તો વો ભી તનખા કટેગા. ઘર પે આને મેં 3,000, 3,500, 4,000 ઇતના હૈ, ઇતના ભી ક્યા ખર્ચ ચલેગા મેમ, એ તો કુછ ભી નહીં હૈ. બચ્ચે કા એક દિન કા 100 રૂપિયા ખર્ચા હોગા તો એક મહિને મેં 3,000 ખર્ચા હો જાતા હૈ, તો ઉતને મેં તનખા મેં હમારા ચલ ભી નહીં સકતે. યહાં પે ટોયલેટ કા કામ હોતા હૈ વો ભી નહીં કરતે, પાણી કા સુવિધા નહીં હૈ વો ભી નહીં કરતે, સ્કૂલ નહીં કિછી નહીં, પેલા અમાર શહેર દાઉસલો કે ધોકા હૈ જો કે ઓટો હૈ જો, કિછી સુવિધા નહીં, કોઈ ભી સુવિધા નહીં હૈ. પેલા હું પચારણ તો કહીએ સ્કૂલ કો ભી દાઉસલો કો સે આઉસલો. तो सरकार ने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं, हर देखी था उसको बोल देते करने के लिए, लेकिन कुछ बनाते ही नहीं है. ये है हमारी पड़ताल कि किस तरह से ये जो मोदी का स्टंट है जमीन पर अभी तक कारगर होता नजर नहीं आ रहा. आगे क्या रूप लेगा, दलितों की नाराजगी किस तरफ जाएगी, यह तो समय बताएगा. लेकिन फिलहाल ये तय है कि ग्राउंड जीरो में महिलाएं खुलकर बोल रही हैं कि मोदी पैर धोकर उनके वोट नहीं ले सकते.